नमस्कार, आज हम आपको भरवा बेसन की कचौरी बनाना सिखाएंगे। उसके लिए हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता है: दरदरी पिसी हुई सौंफ, दरदरा पिसा हुआ धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, ये भी दरदरा पिसा हुआ है, लाल मिर्च पाउडर, बेसन, पिसी हुई चीनी, किशमिश, अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, हींग, मैदा और तेल। सबसे पहले हम मैदा में तेल डालेंगे और अब उसके बाद हम इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये हमने आधा चम्मच डाला है क्योंकि मिश्रण में भी नमक डलेगा, तो इसलिए इसमें कम मात्रा डालेंगे। अब इसमें हमने आधा चम्मच अजवाइन डाल के इसे अच्छी तरह से सभी सामग्रियों को मिला लेंगे। इसमें हमने तेल उतनी ही मात्रा में डालना है जितना कि आप इसकी एक लोई बना सकें, वो भी सूखे मिश्रण की। लोई बन जाती है तो इसका मतलब है आपकी मोयन की मात्रा इसमें पर्याप्त है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, उतनी मात्रा में डालना है, मतलब कम से कम डालना है ताकि आटा गूंज सके और एक सख्त डो या लोई बन जाए। अब हम इसमें तेल डालेंगे कढ़ाई में। तेल के गर्म होने पर इसमें हम बेसन डालेंगे और इसे कम आंच पर अच्छी तरह भून लेंगे जब तक कि ये सुनहरा भूरा नहीं हो जाता और इसमें से अच्छी सी सुगंध नहीं आ जाती। तब तक ये हमने इसे भूनना है और अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये भून चुका है। अब हम इसमें हींग डालेंगे, उसके बाद इसमें पिसा हुआ दरदरा जीरा पाउडर डाला है, फिर अब हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल ली है और इन सभी सामग्रियों को अच्छे से मिला लेंगे। और अब हमने इसमें जो है दरदरी पिसी हुई सौंफ का पाउडर डाला है, अब हम इसमें दरदरा पिसा धनिया पाउडर डाल रहे हैं, अब हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ी मात्रा कम रखेंगे काली मिर्च की, और इसमें हमने अमचूर पाउडर डाला। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा और उसे अच्छी तरह से इन सभी सामग्रियों को मिला लेंगे। अब हम इसमें कुछ नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार और इन सभी सामग्रियों को फिर से एक बार मिला लेंगे। और हम चीनी डालते समय आपको आँच को बंद कर देना है, नहीं तो चीनी जो है पिघलने शुरू हो जाएगी और मसाला गीला हो जाएगा। और इसी के साथ हमने इसमें यहाँ पर किशमिश डाल दी है और इन सामग्रियों को अच्छी तरह डाल के मिला लेंगे कि जब तक कि चीनी इसमें अच्छी तरह से पूरी तरह जज्ब ना हो जाए तब तक हमने इसे मिलाना है और इसे ठंडा करके रखना है और कम से कम इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम आटा बना लेंगे। उसके लिए हम जो है एक आटे की लोई बनाएंगे और उसे बेल लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है हमने, ये हमने कचौरी के लिए बनाना है तो थोड़ा मोटा रखेंगे। और ये हमने बेल लिया, अब हम इसमें थोड़ा सा हाथ से किनारों को दबा देंगे और इसे फैला लेंगे ताकि एक जैसी मोटाई की कचौरी बने। अब इसमें हम भरावन भरेंगे और हमने इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं रखनी है, थोड़ी भरावन भरेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी मात्रा। और सभी किनारों को इकट्ठा लेते हुए हम इसकी दोबारा से लोई बना लेंगे और इसको गोल आकार दे लेंगे इस तरह से ताकि इसमें से मसाला बाहर ना निकले। हल्का सा दबाएंगे हथेलियों की सहायता से और अब चाहे तो आप हथेली से बेल सीधे डाल सकते हैं कढ़ाई में या फिर बेलन से बेल सकते हैं। ये देखिए हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसे एक तरफ रखेंगे
और इसी तरह से बाकी की कचौड़ियाँ भी तैयार कर लेंगे। कचौड़ियाँ बनने के बाद हम तेल को गरम करेंगे कम आँच पर, और जब तेल गरम हो जाए तो उसमें सभी कचौड़ियों को डाल के पका लेंगे। और हमने तब तक इसे पकाते रहना है और पलटते रहना है जब तक कि ये सुनहरी भूरी नहीं हो जाती दोनों तरफ से। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए अभी हमने इसे और भूनना है, ये हमारी सुनहरी भूरी नहीं हुई है, इसमें हल्के से रंगत आई है, तो इसे मैं अभी 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे। अब देखिए जैसे कि हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं, अब हम गैस को बंद करेंगे और सभी कचौड़ियों को एक टिश्यू पेपर पे निकाल सकते हैं आप और इसे बाहर निकालेंगे। हमारी भरवा बेसन की कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें।